अस्सलाम वालेकुम, दानिशा के साथ हाजिर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ हज़रत सईदिना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास। तो आइए, यहाँ पर जो दुकानें हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है लॉकडाउन में। आइए। बस यार, कारोबार नहीं है, हमारा कारोबार होता है दरगाह की वजह से। तो मदार शरीफ जो बंद है, तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि भाई मेहरबानी करो, दरबार खुलाओ ताकि हमारे बाल बच्चे ऐसे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कारोबार नहीं है, मजदूरी अच्छी नहीं मिलती है। तो अल्लाह करे खुल जाए तो फिर हमारी भी रोजी होगी, तो मजदूरी भी अच्छी मिलेगी, हमारा भी घर चलेगा और मालिकों का भी चलेगा। बस यही मेहरबानी करें। बस कारोबार नहीं है, दरबार बंद पड़ा है, मैं 2-3 महीने हो गए कारोबार नहीं, पर्दे से लोग नहीं आ रहे, कारोबार में बहुत फर्क है। और मसवाड़ वाले जो लोग हैं वो मसवाड़ वगैरह लेते हैं, पैगाम देंगे तो दरबार खोला जाए और जारी ना आए और इंशाल्लाह ताला और कारोबार में इजाफा पड़ेगा। दुकानदार देखो तो बिल्कुल बिजनेस है ही नहीं, 30,000 रुपया इनका किराया है, बिल्कुल हम तो तबाह हो रहे हैं। और नहीं कोई रिलीफ, नहीं कोई फंड मिला है, तो भाई दुकानदारों ने कुछ सोचा का है? टूटल जो नुमाइंदे हैं कुछ कर नहीं सके, सेवन के लिए कुछ नहीं कर सके।